अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ, हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज 21 अगस्त है, 15 अगस्त को जब इसका इफ्तिताह किया गया था तो सीएम सिंह साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह 21 अगस्त को इस अंडरपास को ऑफिशियल कर दिया जाएगा। आज इसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज इसका इफ्तिताह हो जाएगा। मैं मीडिया नुमाइंदगान भी यहाँ पर आए हुए हैं, सिटी वार्डन्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि आज इसका इफ्तिताह हो जाएगा। ये बैनर यहाँ पर लगाया गया, बैनर में उम्मीद लगाने का जो समझ में आ रहा है कि इंशाल्लाह आज इसका इफ्तिताह हो जाएगा। आपके सामने मनाजर है, इसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगाई गई है। अल्लाह पाक ने जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बाकी आपके सामने आज ये व्यूज़ हैं, अभी दूसरी तरफ से भी चले आता हूँ मैं, दूसरी तरफ से भी आपको मंजर शो करता हूँ। ये फिलहाल आज की पोजीशन है यहाँ। कल रात ही काफ़ी सारे जो पोल्स रह गए थे, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो यहाँ पे लगाए गए हैं। मैं अभी आगे चल के भी आपको दिखाता हूँ। दूसरी साइड पे भी जो इलेक्ट्रिक पोल्स काफ़ी सारे रह गए थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में लगा दिए गए हैं। कुछ रह गए वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हो जाएंगे। आज 21 अगस्त का वादा किया गया था और बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह इसको आज ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ये अंडरपास की दूसरी साइड का हिस्सा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए गए हैं। कल इस इलेक्ट्रिक पोल्स को लगाने पे काम चल रहा था, काफ़ी तादाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए गए हैं। ये आज के मंजर है, 21 अगस्त है आज। आज बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह इसको आज ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तकरीबन 1 किलोमीटर का ये अंडरपास है, लिसान जौहर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। एक ऊपर फ्लाई ओवर था, उसका इफ्तिताह किया गया, फिर उसके बाद अभी अंडरपास है, ये भी तकरीबन कंप्लीट है। ऑपरेशन नीचे किया जा सकता है, इसको स्टार्ट किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसको आज स्टार्ट कर दिया जाएगा। काम जो है वो अभी भी चल रहा है, लेबर वगैरह काम अभी भी कर रही है, आपको नज़र आ रही होगी। अभी मैं इसके एच पॉइंट पे जा रहा हूँ, रावे सिटी की तरफ। वहाँ के भी मंजर मैं आपसे शेयर करता हूँ। यह भी मैं इस एच पॉइंट पे खड़ा हूँ, रावे सिटी पहलवान रोड की तरफ से आ रहा है और रावे सिटी पहलवान रोड की तरफ जा रहा है। सामने शटरिंग मारी जा रही है और इस तरफ को लगाई यहाँ की भराई की तैयारी की जा रही है। ये सामने किंग रेजेंसी, उसे आगे बैतुल हिना, फिर उसके बाद जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट्स। ये आज ये आपके सामने बना दे रहा है। मौसम आज थोड़ा सा गर्म है लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है। आज 21 अगस्त है, इसको ऑपरेशन करने की तैयारी तकरीबन मुकम्मल है। उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह इसको आज आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा तोहफा है पुलिस आने और आवाम के लिए, गवर्नमेंट ऑप्शन की तरफ से। उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह अंडरपास के ऊपर होने से यहाँ के जो मसाइल हैं ट्रैफिक के हवाले से, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। बाकी साइडों पर सर्विस रोड के ऊपर काम चल रहा है, यहाँ पे सर्विस की लाइन वगैरह डाली जा रही है। मैं आपको इसके भी थोड़े से मनाजर दिखा दूँ। ये रास्ता रावे सिटी से होता हुआ जा रहा है और इसके ऊपर फिलहाल सर्विस की लाइन डालने का काम चल रहा है। इसके अलावा मज़ीद कोई अगर अपडेट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें,
मुझे सपोर्ट करें, आपके तावन की बहुत ज़रूरत है।